माथुरीकलाल और आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। देशवासियों, आपका अपना न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान आज से नए अवतार में है। आपने जो हमें प्यार दिया, साथ दिया, हमारे साथ हमारे नए रंग रूप को पसंद किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। पहले मैं आपको ये बताऊं, देश को जवाब दो आखिर कई दूसरे डिबेट शो से बीच अलग कैसे है, क्योंकि अब तक खबरों का दंगल हुआ, मंच पर महाभारत हुई, हंगामे वाला हो हल्ला मचाया गया, वहां संग्राम तो हुआ लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिले। वो सवाल जो देश ने पूछे, उन सवालों पर ललकार तो हुई लेकिन जवाब नहीं मिले। इसीलिए हम कह रहे हैं देश को जवाब दो। वो कहते हैं ना कि प्रश्न जितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं उतने ही जवाब। इसीलिए हम सवालों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहते, जवाब चाहते हैं। सत्ता, सरकार, सिस्टम और संसद के सामने खड़े होकर हम कह रहे हैं देश को जवाब दो। देश को जवाब दो कि मेरे देश का अन्नदाता आज सड़क पर सोने को मजबूर क्यों है। इस देश को जवाब दो कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये सिर्फ दसवीं और बारहवीं के एग्जाम में पूछे गए निबंध तक सीमित क्यों है। देश को जवाब दो कि जो किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का बल है, उसके साथ सियासी छल किसने किया। हाँ, ये किसानों के साथ छल है कि उसके आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपना सियासी चेहरा चमका रहे हैं। हाँ, ये किसानों के साथ कपट है, उनके आंदोलन की राह को रोकने के लिए कुछ लोग राजनीतिक घुसपैठिए बन गए हैं। मेरे देश का अन्नदाता तो हिंदुस्तान का मान बढ़ाता है, फिर किसानों के बीच से हिंसा का मार्ग बनाने वाले लोग कौन है। इन सवालों के जवाब किसान आंदोलन की कामयाबी का जरिया बनेंगे। इसीलिए हमने तय कर लिया है, जहां जहां किसान वहां जी हिंदुस्तान। अन्नदाता की आवाज पूरे हिंदुस्तान की आवाज है, इसीलिए उनके सवालों का हिसाब दो और इस देश को जवाब दो। सरकार और किसानों की बातचीत से पहले भारत बंद के लिए किसने इस देश में किसानों को भड़काया, अन्नदाता को भारत बंद के लिए किसने भड़काया, जरा इस बात का जवाब दीजिए। क्या जनता ने जिनकी राजनीतिक दुकान बंद कर दी, वो किसान और सरकार की बातचीत में रोड़ा बना रहे हैं। सवाल ये भी कि जिन लोगों ने 70 साल तक किसानों को धोखे में रखा, उनके खिलाफ हल्ला बोल कब। देश को जवाब दो, और देश को जवाब दो जो नीतियां किसानों के हित में है, उनका फायदा अन्नदाता को बताने में असफल क्यों रही है सरकार। इन तमाम सवालों का जवाब आज उन मेहमानों से लेंगे, क्योंकि इस देश का मान बढ़ाने वाला अन्नदाता आज सड़कों पर है। इस देश में जिस अन्नदाता की वजह से हम और आप जीवित रहते हैं, उस देश में अन्नदाता को सड़कों पर अपनी रात क्यों बितानी पड़ रही है। क्या सरकार विफल रही ये समझाने में कि उन्होंने जो किया वो किसानों के हित में है, या फिर सिर्फ और सिर्फ किसानों के इस जंग में अपनी सियासत की रोटियां पका रही है विपक्षी पार्टियां। कई सारे सवाल देश को जवाब देना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद मिलवाती हूं मेहमानों से। किसान आंदोलन में घुसपैठियों की एंट्री, पलटू पॉलिटिक्स की पोल खुली। अचानक तमाम विपक्षी दल या गैर भाजपाई दल कूद गए, और आज हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए
किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। वार्ता से 24 घंटे पहले तालाबंदी की साजिश। आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। सरकार किसानों की आवाज़ नहीं दबा सकती। किसान जिन कानूनों को लेकर के धरना पे बैठे हैं वो कानून खत्म हो देश के किसान चाहते हैं। और अगर देश के किसान चाहते हैं तो सरकार आखिरकार क्यों कानून वापस नहीं ले रही है? भारत बंद की स्क्रिप्ट लिखने वाली एक्सपो। किसानों के कंधे पर विपक्ष की बंदूक। देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी के सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। देश को जवाब दो। देश को जवाब दो कि आखिर किसानों को कौन भड़का रहा है। देश को यह भी जवाब दो कि भारत बंद क्यों, जब बातचीत 9 को तो 8 को बंद पॉलिटिक्स क्यों। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूं, लेकिन उससे पहले तमाम मेहमानों से मिलवा देती हूं। गौरव भाटिया आज बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस नेता आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुनील साजन जी एसपी से जुड़ने वाले हैं, बहुत बहुत स्वागत। किशोर तिवारी जी जुड़ गए हैं, शिवसेना समर्थक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और राकेश टिकैत साहब भी जुड़े हुए हैं, हितेन हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर के साथ। और इसके साथ साथ हर्षा, हितेन और प्रिया अलग अलग जगहों से, अलग अलग बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जहां आज भी स्थिति वैसी की वैसी है जो 12 दिन से चली आ रही है। सबसे अहम सवाल ये कि आखिर किसानों की इस जंग में ये रणनीति किसने बनाई, ये अफवाह किसने फैलाई। किशोर तिवारी जी शिवसेना समर्थक के तौर पर बैठे हैं आप, मुझे ये समझाइए सर, बीजेपी से कोई झगड़ा है तो बाहर सुलझा लीजिए सर, किसानों को क्यों मिसयूज कर रहे हैं? ये वही कानून है ना जिसका समर्थन करने की बात शिवसेना करती है, आज विरोध क्यों? माधुरी जी आपका जो देश को जवाब दो ये कार्यक्रम है, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं, आपके नए रूप के लिए भी शुभकामनाएं। आपने जो किसान आंदोलन का बहुत अच्छा कवरेज किया, आपके जो पत्रकार फील्ड पे है मैं उनका भी आभारी हूँ। अब बात ऐसी है कि रविशंकर प्रसाद जो कह रहे थे कि कांग्रेस जिन नीतियों को सामने करना चाहती थी वही नीतियां लेके हम आए। देखो कांग्रेस को किसानों ने नकारा, क्या भाजपा चाहती है कि उनको भी नकारा जाए? अब आपकी एक बात मुझे बहुत ये बात आपकी जायज है कि जब किसानों के यूनियन से चर्चा हो रही थी तो उसके एक दिन पहले 8 तारीख के बंद की घोषणा नहीं होनी चाहिए। सुनिए तिवारी जी, घुमाइए मत सर, मेरी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। सुनिए मेरी बात, आप पहले आप हैं किस साइड, कहां खड़े हैं, कौन से पक्ष में हैं आप? महाराष्ट्र में सरकार उनके साथ बनाते हैं, यहां पर विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं किसानों के पक्ष में हूं, मैं खुली अर्थव्यवस्था के खिलाफ हूं, मैं एमएसपी के प्रावधान के अंदर सरकार की कायम सर। आप लोग समर्थन कर रहे थे पहले, अब विरोध कर रहे हैं, नहीं पहले स्थिति क्लियर कीजिए ना सर, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। आप कंफ्यूज मत, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है तिवारी जी, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब यह है कि आप खुद कंफ्यूज हैं और इसी कंफ्यूजन को किसानों में भर दिया। और वो किसान जो इस देश का अन्नदाता, जो हर मौसम में मेहनत करके इस देश का पेट भरता है, उसके दिमाग में गलत चीजों को भरा गया, उसे भ्रमित किया गया। एक मिनट देखो, आप भ्रांतियां किसने फैलाई ये तो सोचना चाहिए कि आप
मेरी सरकार इस कानूनों के पूरी तरह विरोध में नहीं है। हमारे सरकार का कोई गौरव भाटिया जी, किशोर तिवारी जी तो अपना पक्ष समझा ही नहीं पा रहे मुझे, पूरी तरह विरोध में है नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सर आप लोग क्यों सफल नहीं रह रहे, आप भी तो विफल हो गए समझाने में किसानों को। माधुरी जी सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको शुभकामनाएं और बधाई कि आपने इतना अच्छा नया रूप एक दिया है और उम्मीद करता हूं ये आगे और प्रतिष्ठित बने और सच्चाई की लड़ाई आप हमेशा से लड़ते आए आगे भी लड़े। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूं, आपने बहुत अच्छा शीर्षक रखा है देश को जवाब दो और आप पूछ रही थी शिवसेना के प्रवक्ता से कहां खड़े हो आप, तो इतना ही कहेंगे बाला साहब ठाकरे के जो शेर थे आज सोनिया सेना बन के पिंजरे के अंदर खड़े हैं। और क्यों मैं बताता हूं, आप दोगली राजनीति देखिए और किसी का भी उत्तर हो कोई भी प्रवक्ता जो विपक्षी पार्टी से हो वो दे सकता है। सबसे पहले कांग्रेस, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है 2019 में इन्होंने स्पष्ट कहा, इन्होंने कहा कि हम एपीएमसी कानून जो है खत्म कर देंगे 11 सीरियल नंबर 11 मतलब सीधा। प्लीज मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगा, आप उनको बुला लीजिए, बुलवा लीजिए गौरव भाटिया जी, मैं ऐसे चर्चा करने नहीं आया हूं। बाहर चले गए, आप भी वो गलत काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब जब बोल लेंगे तब आप आइए। किशोर तिवारी जी देखिए समझिए सर, किशोर तिवारी जी आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया और सबसे पहला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं भी इस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहती थी। मेरे दर्शक बार बार आप लोगों से ये पूछ रहे हैं, ये देश जवाब चाहता है कि आप लोग आखिर सोचते क्या है, करते क्या है और इतना अंतर आपकी कथनी और करनी में क्यों है, क्यों इस देश को जवाब नहीं दे पाते आप लोग। आप लोगों को शिफ्ट पॉलिटिक्स करनी है। सुनील साजन जी जुड़े मेरे साथ, स्क्रीन पे लाइए उनको। आज अखिलेश यादव की नींद खुल गई सर। मैं अपनी पूरी कर लूं बात माधुरी जी, अगर आप मुझे समय दे दे तो मैं कर लूं। गौरव जी बिल्कुल बिल्कुल वापस आ रही हूं सर, लेकिन उसके पहले मुझे समझना है ये कि आखिर जब चुनाव नजदीक आने वाले होते हैं तब सड़क पर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के लिए इनकी नींद क्यों खुलती है। सुनील साजन जी आखिर अखिलेश यादव जी को अब नींद खुली सर, मुलायम सिंह यादव समर्थन करते थे, आज अखिलेश जी की नींद खुली कि नहीं भैया हम तो बिल्कुल विरोध करेंगे। देखिए माधुरी जी मुझे लगता है आप पूरी तैयारी के साथ आया करिए। समाजवादी पार्टी ने जब काला कानून ये पेश हुआ सदन में विरोध किया और सड़क पर विरोध किया। जहां तक सवाल है नींद की, तो आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रही है, किस तरीके से बात कर रही है, क्या हम लोग राजनीतिक लोग समाजवादी लोग जी हिंदुस्तान के सर सुबह याद आता है रात को भूल जाते हैं। आप इस बात का जवाब दीजिए कि मुलायम सिंह यादव समर्थन करते हैं, आप लोग विरोध करते हैं, अखिलेश यादव विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम किसानों के आंदोलन के समर्थन में हैं, तो समाजवादी पार्टी समर्थन में है, कहां से आप ले आए? अरे आज वो खुद सड़क पर उतर करके गिरफ्तार हुए और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया। ठीक 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 है, इसका जवाब गौरव भाटिया जी आप दीजिएगा सर। गौरव भाटिया जी इसका जवाब दीजिएगा, किसान बस मोहरा बनता रहा। गौरव भाटिया जी इसका जवाब आप दीजिएगा मुझे। सुनील जी एक मिनट वापस आ रही हूँ, राकेश टिकैत साहब बने हुए, टिकैत साहब आपकी जंग में ये दूसरे लोग अपनी सियासी रोटियां क्यों पकाने लगे सर? बिल्कुल माधुरी सीधे उन्हीं से पूछते हैं आपका सवाल। सवाल है कि आपकी जंग है किसानों की जंग में राजनीतिक पार्टियां क्यों अपनी रोटियां सेक रही है? कहाँ है राजनीतिक पार्टी, उनको तो हम तलाश कर रहे हैं। अखिलेश आज सड़कों पर उतरे थे, गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए, 20 राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन दिया है। और कोई दिक्कत होगी किसानों को तो वे आ रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उनकी भूमिका हाउस में है सड़क पे भी है तो वे निभा रहे हैं अपनी। लेकिन विपक्ष अपना खोया हुआ वजूद नहीं ढूंढ रहा है आपके बहाने किसानों के बहाने। यहाँ तो आएंगे ना, यहाँ नहीं आ रहा। अरे पर्यटन पॉलिटिक्स चल रही है तो ठीक उतर रहा, पर्यटन पॉलिटिक्स चल रही है, घूमने चले जाते हैं। लेकिन अगर कल अगर कुछ हिंसा हो गई भारत बंद में तो फिर नाम तो किसानों का बदनाम होगा। कहीं नहीं होने की हिंसा, सब जब अपने आप लॉकडाउन में हिंसा नहीं हुई, जनता कर्फ्यू में हिंसा नहीं हुई,
तो किसान का जो लॉकडाउन होगा उसमें 4 घंटे में हिंसा होगी। हमने तो फ्री छोड़ दिया ना, जिसको दुकान पे जाना है, अपने उस पे जाना है, अपने नौकरी पेशी करनी है, अपने ऑफिस में जाना है, वो 10-11 बजे तक जाए अपने ऑफिस में, अपना काम करें। और अगर कोई आदमी 11 बजे भी ऑफिस में नहीं जा रहा तो इसका मतलब देश का नुकसान कर रहा, फ्री की तनख्वाह ले रहा है, फिर तो जाम में पटेगा वो। उसको जाना चाहिए ना 10 बजे तक अपने ऑफिस जाए, अब उसको 3 बजे रास्ता फ्री मिलेगा, 5 बजे अपने ऑफिस जाए, उसको कहाँ दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? कल की और रणनीति क्या है? हितेन ये क्लियर कीजिए कि 9 तारीख को जब छठे दौर की बातचीत होनी है तो फिर 8 को भारत बंद क्यों? बातचीत से पहले भारत बंद की पॉलिटिक्स क्यों? बिल्कुल, देखिए माधुरी का सीधा सवाल है कि अगर 9 तारीख को बुलाया गया था तो भारत बंद आपने भले पहले तारीख डिक्लेयर की थी, आप आगे बढ़ा सकते थे 8 तारीख को। अरे जो एक बार तारीख दे दी अपना दे दी, कर लेंगे 3-4 घंटे हम भी देख लेंगे बंद करके। क्या पॉलिटिकल पार्टी ये लिख कर दे सकती है कि हम कभी भी भारत बंद नहीं करेंगे? आप वो लिखवा दो उनसे, क्या जब ये तो पॉलिटिकल पार्टी ने सीखा हमको भारत बंद करना, तो हम भी करके देखे ना कैसे होता है। तो 9 तारीख की बातचीत के बाद क्या होगा अगर वो बातचीत में नतीजा नहीं निकला तो? अब मैं क्या पंडित हूँ का के बता दूंगा, मैं कोई ज्योतिषी थोड़ा हूँ। 9 की बात में अच्छा ठीक है, हितेन इनकी डिमांड्स एक बार वापस दोहरा लीजिए, इनकी डिमांड्स दोहरा लीजिए कि क्या 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 डिमांड्स ने बताता किसकी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माधुरी का सीधा सवाल है, देश फिर एक बार जानना चाहेगा कि आप लोगों की डिमांड्स क्या क्या है। हमारी डिमांड है ये अध्यादेश वापसी ले लो, हमारा हिसाब किताब कर दो, हमारे चैनल करवा दो, हमारे हिसाब, हमारे बुजुर्गों के साथ में धोखा करा। अगर किसी बुजुर्गों की जमान कहीं मिल जाए जमीन, पाकिस्तान वाले आज भी अपनी जमीन ढूंढते हैं। अध्यादेश में संशोधन नहीं चलेगा, संशोधन नहीं चलने का, हिसाब किताब तो बहुत लंबा है, हम तो सरकार को ढूंढने आए, 7 साल में सरकार मिली है हमको, हम कैसे छोड़ देंगे सरकार को? 9 तारीख को यस और नो होगा या बातचीत होगी? यस यस नो से शुरुआत होगी, यस नो से शुरुआत होगी, आगे फिर देखते हैं क्या होगा। ये तो किसान का हाउस है, जितनी बढ़िया व्हाइट हाउस की बिल्डिंग है, ये तो इंडिया का व्हाइट हाउस है, उसके भीतर बैठने वालों के भी मन उतने ही अगर साफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मन साफ नहीं है। अच्छा खुशी खुशी 26 जनवरी को परेड में जाएगा या जाएंगे फोर्सफुली? देखो इतने मामले सोल्व हो गए तो हम सरकार से चाहेंगे कि हमारे किसानों को भी वहां पर जाए, हमारी पंजाब की जत्थेबंदी भी जाएगी, हरियाणा की भी जाएगी, सब जगह की जाएगी, हमारे 100 ट्रैक्टर उसमें शामिल कर लो कल के। और अगर अगर नहीं सोल्व होता तो फिर ये सारी जत्थेबंदी जाएगी, ये चमकीली सड़क देखने जरूर जाएंगे, दिल्ली की जो मखमली सड़क है, जो हमारे ट्रैक्टर उपचड़ खाटजड़ चलते थे, ये दिल्ली की चमकीली सड़कें देखने जाएंगे जाएंगे। लेकिन लेकिन कल के भारत बंद के बाद 9 तारीख को सरकार पे थोड़ा दबाव बनेगा लगता है? हम नहीं दबाव बनाना चाहते, हम तो बातचीत साल चाहते हैं। ठीक है, बातचीत चाहते हैं, दबाव नहीं बनाना चाहते। गौरव बाजिया जी, सर 5 दौर की बातचीत हो चुकी, आप लोग क्यों विफल हो रहे हैं? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि ये अराजकता की पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विपक्ष वाले अराजकता की पार्टी अराजकता की पॉलिटिक्स कर रही है, जिन जिन चीजों का ये समर्थन करते थे उसी का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इसे भ्रमित किया जा रहा है, देश को भड़काया जा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत तो अभी कह रहे हैं कि हमें हमारा जो बातचीत है उसी से हम सुलझाएंगे। आप लोग 5 बार बातचीत में सफल क्यों नहीं हो पाए? माधुरी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे समय देंगी, मेरा ओपनिंग कमेंट भी बीच में लोगों ने चीखम चिल्ली करने लगे तो बोल नहीं पाया। जी जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और कुछ तथ्य जो रखने हैं उससे शुरुआत करता हूं। देखिए किस तरह की दोगुनी राजनीति हो रही है ये उजागर करना बड़ा आवश्यक है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े तो नहीं है लेकिन उनका मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है जो प्रेस वार्ता में आज रविशंकर। अरे कांग्रेस की गलत नीति है तो किसानों पे मत थोपिए। अच्छा चलिए माधुरी जी, या तो आप डिबेट को रेगुलेट कर लीजिए या नोटिस किशोर जी बोलने तो दीजिए सर उनको। पहला तो किशोर जी प्लीज बोलने दीजिए, गौरव जी कंटिन्यू कीजिए सर। देखिए ये मेरे हाथ में पहला डॉक्यूमेंट जो मैं दिखा रहा हूँ ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 का सीरियल नंबर 11 पे कहते हैं अंग्रेजी वर्जन में, हम रिपील करेंगे जीएमसी एक्ट को, मतलब दूसरी मार्केट नहीं बनेगी। हमने क्या किया, एक और मार्केट बनाई है मंडी के अलावा, हिंदी में कहते हैं संशोधित। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ है उनकी बात का उत्तर दे दूं। आपने बताया मुलायम सिंह यादव जी
जो एग्रीकल्चर स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सदस्य रखेंगे, विरोध करा नहीं, ये कहां से लाए हैं भाई आप, नॉटी है क्या? चुप रहिए ना, क्या दर्द है आपको? अरे प्लीज माधुरी जी, ये चर्चा का तरीका नहीं ठीक है। तिवारी जी, सर आपका पक्ष ही समझ नहीं आ रहा, आप विरोध में हैं, समर्थन में हैं, फिर आप हंसते भी हैं, ये कुटिल मुस्कान क्यों है? तिवारी जी क्या चाह रहे हैं सर? एक बात, भारत बंद की सियासत हो रही है, देश को जवाब दीजिए। सर्कस के शेर सोनिया सेना के सिपाही, अपनी बारी में नहीं बोला ना आपने, पूरी डिबेट में आपको ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा, चिंता ना करिए। अब आपके चेहरे की मुस्कुराहट ना छीनी तो हमारा नाम भाजपा से नहीं। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, अब आप बोल के दिखाइए। जब आप बदतमीजी करेंगे तो आपको सबक दिखाना पड़ेगा। माधुरी जी से मैंने 3 बार गुजारिश करी, आप बीच में ना बोले, क्यों बोल रहे बीच में भाई? क्या हो रहा, आग लगी हुई है क्या? ये बोलिए नहीं, नोटी नोटी करेंगे, उखड़ गया समझाते हैं, अभी आप उखड़ जाएंगे। उखाड़ दिया कौन बोल रहा था माधुरी जी? इनको खुद अच्छा, चलिए चिल्ला रहे, बोलिए तीनों, आज कितने काम बताइए, किसानों के तीनों कानूनों का नाम बताइए। किसान भारत से आपको उखाड़ दे, अरे किसानों के कानून का नाम तो बताएंगे चर्चा से पहले। नोटी दे रहा हूँ, नाम बोलिए तीनों, किसान के जो कानून है उसका नाम बताइए दर्शकों को जल्दी से। चलिए देखिए मंडी में कौन ले जा रहे हैं आप, नाम नहीं पता, और चर्चा करने आते हैं, बताइए आप एमएसपी विड्रॉ करना चाहते हैं? अरे माधुरी जी नष्ट मत करिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपनी अपनी बारी में बोले, समझता नहीं आ जाते हो यहाँ बात करने। अरे तिवारी जी आपको कुछ नहीं पता ना, 1 मिनट 13 में किशोर तिवारी जी सर, सीरियस मैटर है, देश का अन्नदाता सड़क पर बताने विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कल भारत बंद है, आखिर उन्हें किसने भड़काया? इस बात का सवाल, इस बात का जवाब ये देश चाहता है। आप अपना पक्ष क्लियर कर लीजिए। किशोर तिवारी जी 30 सेकंड दे रहे हो सर, पहले क्लियर कीजिए, माइंड मेकअप कीजिए सर, किधर बोलना है, पहले माइंड मेकअप कीजिए सर, ऐसे नहीं चलेगा ना तिवारी जी। हम किसानों के साथ है, नहीं किसानों के साथ है, अभी कह रहे हैं इनको उखाड़ देंगे, फिर कह रहे पहले समर्थन में थे, अब क्या कहां पर है समझ ही नहीं आ रहा सर। आप विरोध में समर्थन में, पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए। गौरव भाटिया जी कंटिन्यू कीजिए सर। बीजेपी को उखाड़ने के लिए बैठे माधुरी जी प्लीज। देखिए ऐसा ही होता है जब खुद नहीं पता होता, इतनी पलटियां मारी है कि स्टैंड क्या है, लेकिन अब मैं उजागर करता हूँ। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, आपको मालूम है 28 मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी एग्रीकल्चर की, यादव जी सदस्य हैं, ना कोई सुझाव दिया ना कोई विरोध किया, मालूम है क्यों? क्योंकि कोई मीटिंग ही नहीं अटेंड करी, तो इसलिए ये कहना तो उचित नहीं है कि अब हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम सड़क पर हैं, प्लीज क्या दिक्कत क्या है बताइए, आज मोला दूं क्या आपको, क्या चाहिए आपको बोलिए, अपनी बारी में नहीं बोला जाता। आपकी नीतियां गलत थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए तीन बातें बताइए जो आप सुधार चाहते हो। मास्टर जी बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मौका दूंगा आपको। बताइए नौटी बाबा आपको खड़ू बनाइए। चलिए बताइए मास्टर जी, ये बताइए कि कौन से बोलिए आप विड्रॉ कर रहे हैं? किसान कानून से अडानी अंबानी की एंट्री बंद कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं बताइए, प्राइस विड्रॉ कर रहे हैं, क्या मंडियां समाप्त कर रहे हैं बोलो। ये बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे बड़े दुखी होंगे, आप जैसे सर्कस के शेरों से पाला पड़ रहा है शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का, चुप हो जाइए। अब दूसरी बात बताता हूँ, देखिए आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सड़कों पर है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये मान लिया कि मुलायम सिंह यादव जी की वो इज्जत अब नहीं करते। और दूसरी बात आप मुझे बताइए, जब आजम खान ने किसानों की जमीन हड़प ली थी और 30 से ज्यादा FIR हुई थी, तब सड़कों पे क्यों नहीं उतरे थे अखिलेश यादव किसानों की जमीन बचाने के लिए? तीसरी बात, आप आम आदमी पार्टी 23 नवंबर 2020 को, मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है, जो कानून हम लाए उसका उन्होंने नोटिफिकेशन किया, क्यों किया? अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो देखिए सेवादार हैं। चौथा, अकाली दल जब ऑर्डिनेंस आया माधुरी जी तो हमारे साथ थे, लेकिन उसके बाद
जब हमने कानून लाए तो बीच में छोड़ के चले गए। अध्यादेश से कानून के सफर में क्या बदल गया था? 28 साल का साथी चला गया और एनसीपी 28 साल का बता रहा हूँ। 25 साल में सेना चले गए शीला दीक्षित को जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा कि एपीएमसी का संशोधन होना चाहिए, उसके बावजूद आज विरोध कर रहे हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में ये कह दूं, बड़े गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस सवाल का जवाब सुनील साजन जी से ले रहे हैं। सुनील साजन जी, आप लोग अराजकता कर रहे हैं सर। योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, साफ साफ कहा है कि आप लोग अराजकता की राजनीति करते हैं। अब अराजकता वाले लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम अराजकता की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? हम केवल एक बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि केवल आप इधर उधर मत घुमाइएगा, हमारे 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप वो आय दोगुनी कब करेंगे? कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाए? एक दूसरी बात, रुक जाओ भाई, दूसरे ज्ञान दे रहे थे बीच में फिकिर करने लगे, सुन लो। दूसरी बात कि आपने कहा कि हम किसानों के हित में लेकर के आए और किसान ही आपके खिलाफ है, तो कौन सा हित है? और तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये किसान गद्दार हैं, किसान देशद्रोही हैं, मैं माधुरी जी आपकी डिबेट में कह रहा हूँ, जो किसानों को गद्दार कह रहे हैं, जिनके बेटे सीमा पर खड़े होकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। उनका डीएनए कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान का डीएनए नहीं हो सकता। और अराजकता वाली बात ये बताइए, किसने कहा किसानों को गद्दार? मुझे जरा ये बताइए, किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अपनी पॉलिटिक्स मत चलाइए, मत कीजिए सर, मत कीजिए। बात किसने कही, नाम बताइए जरा। अराजकता की बात किसने कही, नाम बताइए। अराजकता की बात किसने कही है? मैं उत्तर दे दूं, योगी आदित्यनाथ ने, जिन पर दंगे के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, लूट के मुकदमे हैं, बेईमानी के मुकदमे हैं, कब्जे के मुकदमे हैं। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, एक अपराधी छवि का व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुखिया है। मुझे लगता है आप भी जानती होंगी। सुनील साजन जी बहुत स्मार्ट है सर, आप अपनी बात अपनी किसान से उठाकर अपनी बात कैसे साधनी है, किसे गाली देनी है आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस देश का अन्नदाता जिस तरह की जंग लड़ रहा है, क्या आप उसमें समर्थन करते हैं या नहीं? आपका अपना स्टैंड क्लियर नहीं है सर। मतलब अराजकता की बात कौन कर रहा है, जिसका पूरा किसानों को गद्दार किसने कहा, जरा ये बता दीजिए मुझे, किसने कहा, कहां? फिर मैं जवाब ले लूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं गौरव भाटिया जी, सर आप किसानों को गद्दार कहते हैं, सुनील साजन जी ये कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने कही, योगी आदित्यनाथ क्या है आप नहीं जानती? उनके आपराधिक इतिहास के बारे में देश दुनिया जानती है। सर आपराधिक इतिहास मत खुलवाइए मुझसे, बहुत चिट्ठे हैं, कर दूंगा, बहुत चिट्ठे हैं, और मत खुलवाइएगा, मत करिए ये सब, पार्टी पर इस देश को भ्रमित करने का काम मत करिए सर। सुनील साजन जी, मैं क्यों प्रवक्ता बन गई भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं, बोलने दीजिए। अरे आप क्यों बन गई योगी जी की प्रवक्ता? बहुत अच्छे सर, मैं नहीं फंसी आपके इस गेम में, आपके गेम में मैं नहीं फंसी। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए सर, किसानों को गद्दार कहते हैं आप लोग? देश भी नहीं फंसेगा आपके गेम में, और ना किसान फंसेगा। कल भारत बंद है, अब आप बोलने का भी क्षमता रखे, बोल लिया, काफी देर बोले, मैं बीच में भी नहीं बोला। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार के मुकदमे किस पे थे हम जानते हैं, आजम खान पे 30 से ज्यादा FIR हुई, किसानों की जमीन हड़प ली थी, बता दीजिए, वो मैंने पूछा लेकिन उत्तर नहीं दिया इन्होंने। तीसरी बात, किसने सरकारी बंगले की टोटी चुराई थी 200 रुपए की, ये भी हम जानते हैं, इसलिए ये मत बताइए कि क्या है। अब आपने 3 सवाल पूछे, मैं तीनों सवालों का उत्तर देता हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, आप सुनिए, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए और तीनों का उत्तर मैं पहले दे देता हूँ आपको। आपने कहा कि किसान देशद्रोही है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा,
किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके सम्मान से समझौता नहीं होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य चलता रहेगा। हमारी पार्टी में, देश में, विश्व में, इनको चुप करा लीजिए प्लीज। देखिए, अगर बदतमीजी करने आए हैं, बीच में टोकना है, गुंडागर्दी करनी है, अराजकता फैलानी है, जो इनका चरित्र है, तो बात अलग है। आप बोल लीजिए इनको, माधुरी जी आप इनको बुला लीजिए, ये जितना बोलेंगे उतना प्रतीत होगा ये गुंडागर्दी करने आए, करवा लीजिए गुंडागर्दी। अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं लिया जा रहा, ये तो इनका हाल है। सुनील साजन जी, सुनील साजन जी, सर आपसे इस व्यवहार की उम्मीद नहीं करती हूँ मैं, सवाल पूछे आपसे इस व्यवहार की उम्मीद नहीं करती हूँ सर। विपक्ष है, विपक्ष का काम है स्वस्थ लोकतंत्र में, आप अगर मुद्दे पर बात कर रहे हैं अंकुश लगाइए, लेकिन कम से कम अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए उन किसानों को तो इस्तेमाल मत कीजिए सर। मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको ग्राउंड की कि क्या स्थिति बनी हुई है, कितना दिन हो गया, कैसे परेशान हो रहे हैं लोग, लेकिन आप लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। समर्थन करेंगे, उनके साथ जाकर भारत बंद करेंगे, जब बातचीत हो रही है तो बंद की आवश्यकता क्या है? टिकैत साहब ने कहा अभी कि हम दबाव नहीं बनाएंगे, हितेन उन्होंने कहा कि हम दबाव नहीं बनाएंगे, हम बातचीत पे भरोसा करते हैं। देश बंद की आवश्यकता है कि नहीं? अरे किसान को तय करने दीजिए, आप क्यों स्टूडियो से तय कर देंगी कि भारत बंद होगा? अरे सर, जी हिंदुस्तान, जहाँ जहाँ किसान है वहाँ वहाँ मौजूद है। मुझ पर आप सवाल मत पूछिए सुनील साजन जी, आप जानते हैं अच्छी तरह से। कैसी बात, ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाई है हमने, तब आपको असलियत बता रही हूँ। ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाई है, टिकैत साहब जुड़े हुए मेरे साथ, हितेन, उसके बाद हर्षा मैं आपके पास आऊंगी। दूसरे वाले बोर्ड रूप में भी शांति से बैठे और जगह भी बैठ जाए, हम सब बातचीत साल चाहते हैं समाधान। देखिए समाधान बातचीत, लेकिन कब तक चलती रहेगी ये बातचीत? लंबी चलेगी। सरकार ने आज भी लगातार कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, आज भी कानून मंत्री ने कहा कि किसानों को भड़काया जा रहा है। वो अपनी बात भड़काने की बात उस पर ना लेके जाओ, जो किसानों की समस्या है समाधान की तरफ जाओ। समाधान जिन पार्टियों पे भड़काने का आरोप लगा रहे उन्हीं की सरकार थी 2013 में, नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था, उन्हीं पार्टी के लोगों ने, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी सुमित्रा महाजन, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर ये बिल बनाया था। हम किसान भी गए थे सुमित्रा महाजन के सामने, हम भी अपना ड्राफ्ट रखा था हमने, और एक बहुत बढ़िया बिल भूमि अधिग्रहण बिल बना। इस बिल को भी बना लेंगे, फिर दोबारा बना लेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को मत बुलाओ, लेकिन किसानों से तो बात करोगे, किसानों के हकूक की बात करोगे। पांच बातचीत हुई। अच्छा हितेन, एक बात पूछिए टिकैत साहब से कि ये जो 20 पार्टियां इनका समर्थन कर रही है, कल यही पार्टियां इसी कानून के विरोध में थी? बिल्कुल। देखिए एक सवाल है सीधा कि ये जो 20 पार्टी आपका समर्थन कर रही है, इन्होंने पार्लियामेंट में तो विरोध नहीं किया, बुझ जाएंगे उनसे, ये क्यों नहीं करा? ये पलटू सियासत जो चल रही है, कोई यहाँ पे आ गया तो इनको बैरिकेटिंग से, जैसे किसान को दिल्ली मारने से रोक, सत्ता में है तो कानून ले आएंगे, विपक्ष में है तो विरोध करेंगे, बस यही करना है कि यहाँ पर ना आने दे। और ये जब सत्ता में तब थे तब यही कानून लाने की बात कर रहे थे, अब तो जो लेकर आया ना उनसे बात कर रहे हैं, अब कोई किसी विपक्ष से क्या बात कर रहा हूँ? लेकिन सत्ता में थे तब वो कह रहे थे कि कानून अच्छा है, अब वो मतलब विपक्ष में तो कह रहे हैं टिकैत साहब को कि इनके कंधे पर बंदूक रख रहा है कोई? किसकी सरकार है? हम किसी पार्टी से नहीं बात कर रहे हैं, हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं, भारत सरकार से बात कर रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं लगता है कि आपके कंधे पर बंदूक रख के ये लोग? किसान का कंधा इतना वो नहीं है कि कोई बंदूक रख कर चलेगा, किसान के कंधे पे तो हल रख कर तो चला सके, कोई बंदूक रख कर नहीं चला सकता। अब हम तो ढूंढ रहे हैं ना उनको, भाई रात को यहाँ पर रुके, यही लंगर भंडारा ले, तो हम बंदूक नहीं चला सकता, लेकिन अपनी राजनीति की रोटी तो सेक सकते हैं ना? कोई नहीं सेक, इतना कमजोर था वह नहीं किसान का कि कोई भी आएगा सेक कर चला जाएगा, किसान तो मजबूत है। टिकैत साहब ने इतनी प्रभावी और इतनी मैच्योर बात की है कि दोगली राजनीति करने वालों को इसका जवाब मिल गया होगा, और यही जवाब मिलना भी चाहिए क्योंकि सरकार से बातचीत करेंगे, दबाव नहीं बना रहे हैं किसी तरह की बातचीत, सिर्फ और सिर्फ बातचीत पे भरोसा करते हैं, किसानों को समझाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को अराजक बनाते लोग ये समझ जाएं कि देश को आपको जवाब देना पड़ेगा। हर्षा मेरे साथ बनी हुई है लगातार, हर्षा क्या स्थिति? जी
जी मैं आपको बताऊं माधुरी, मैं प्रेस क्लब में हूं और ये वही जगह जहां पर दोपहर 2 बजे खिलाड़ी पहुंचे थे। लगभग 30 से 35 खिलाड़ी पहुंचे थे किसानों के समर्थन में अपना सम्मान लौटाने। जब माधुरी हमने उनसे पूछा कि देश ने आपको ये सम्मान दिया है जिसके लिए आपने सालों मेहनत की है, आप सम्मान का अपमान क्यों कर रहे लौटाकर, तब माधुरी सब खिलाड़ियों ने कहा नहीं, हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान के सम्मान के लिए खड़े, उनके आंदोलन के साथ खड़े। ऐसे में सम्मान लौटा करके हम सरकार को बताना चाहते हैं कि पूरे पंजाब हरियाणा का जो खिलाड़ी वो इनके साथ है, किसानों के साथ है। यहाँ तक कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह से खिलाड़ियों से संपर्क किया जा रहा है। माधुरी इसको कहीं ना कहीं प्रेशर के तहत भी देखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, जिस तरह से फिल्म स्टार्स पहुंच रहे हैं आंदोलन में, जिस तरह से खिलाड़ी पहुंच रहे, एक तरह से प्रेशर बिल्ड भी करने की कोशिश की जा रही है कि किसान के साथ हम खड़े हैं और पूरा देश खड़ा है। अभी केवल एक फ्रैटर्निटी पहुंची आंदोलन में, आगे चल के और भी लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पे आए और एक कानून जल्द से जल्द रद्द किया जाए, वरना ये आंदोलन जो है एक वास स्वरूप माधुरी ले सकता है। यही बनाने की कोशिश की जा रही है माधुरी, जितना आज क्या स्थिति प्रत्यक्ष समझ पाए। उसके बाद मैं प्रिया के पास लौटूंगी। प्रत्यक्ष मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या स्थिति वहां पर, नारेबाजी हो रही है? देखिए माधुरी, ये जिला बॉर्डर पर मैं आप देख सकती हैं, यहाँ पर ये रात का समय है, अलाव जल रहा है, किसान यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है ये कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लगता है कि आवाज कुछ दिक्कत है। प्रिया गाजीपुर बॉर्डर से, प्रिया आपके पास क्या तस्वीरें? भारत बंद में कुछ ही घंटे बाकी। माधुरी इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ कि एक तरफ किस तरीके से किसान सड़कों पर तो है ही, अपने आराध्य को यहाँ भी याद कर रहे हैं, अपने आराध्य को यहाँ बैठ करके याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लंगर भी चल रहा है, खुले आसमान के नीचे ये रात गुजारेंगे क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे। दूसरी तरफ ये तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, देखिए क्योंकि दिल्ली में सर्दी बहुत होती है, रात बढ़ते बढ़ते ठिठुरन भी बढ़ेगी। अलाव यहाँ जला दिया गया है, अभी अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, लंगर की व्यवस्था की गई है और उसके बाद यहाँ आकर के इसी खुले आसमान पे, इस सड़क पर, इस दरी पर यहाँ ये रात गुजारेंगे। घर बार छोड़ करके किसान सड़कों पर आए और यहाँ जिस तरीके से अभी आपने भी सवाल पूछा था, तमाम राजनीतिक पार्टियां समर्थन तो दे रही है। अब से कुछ देर पहले राकेश टिकैत जी भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा या तमाम किसानों ने ये कहा, समर्थन आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप हमारे साथ आइए, लेकिन भूल कर भी हमारे मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बयानबाजियां यहाँ से नहीं होनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से संवाद स्थापित हमारा है। अभी आगे भी बातचीत जारी है। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, समर्थन कीजिए लेकिन हमारे मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा, हम लोग इतने कमजोर नहीं है, समझ गए सर? किसानों ने साफ कह दिया कि हमें नहीं चाहिए आपका समर्थन। भैया कहे आप लोग पड़े हैं इसके पीछे? माधुरी जी मैं एक बात बोलूं आपको? बिल्कुल बोलिए सर, दो बोलिए। कांग्रेस ने जो कबर खोदी थी उसमें ही किसानों को बीजेपी ले जाके डालना चाहती है। मैं तो पंतप्रधान जी को कहना चाहता हूं कि आप खुद बातों के लिए सामने आइए और किसानों का समाधान कीजिए, राजनीतिक पार्टियों को दूरी रखिए, ये लोग अपनी खेल के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपना पाला बदलते हैं। जहां तक मैं हूँ तिवारी जी, आप मुझे समझ नहीं आता सर, आप एकदम से अपना माइंड मेकअप कैसे बदल लेते हैं? आप पहले समर्थन में, फिर विरोध में, फिर समर्थन में, मुझे थोड़ा समझ, मुझे नहीं समझ आता कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, फिर आपकी कुटिल जो मुस्कान है ये समझ के बाहर है। माधुरी जी मैं किसान नेता पहले हूँ और बाद में मैं अच्छा, अब आप किसान नेता भी हो गए भैया, और किसान जरा नाम थोड़ा नाम चेंज करिए, किशोर तिवारी जी का शिवसेना समर्थक लिखा है, किसान नेता भी करिए। यहाँ पर राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि राजनीतिक मंच का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये तो किसान भी बन गए। मेरे साथ प्रत्युष जुड़े हुए हैं चिल्ला बॉर्डर से, पहले तस्वीरें दिखाती हूँ किशोर जी, आप पूरा हंस लीजिए सर, आपकी आपकी स्माइल पूरी दिखनी चाहिए, देश के इस गंभीर मुद्दे पर आपको हंसी आ रही है सर, और आप अपने आप को किसान कहते हैं? अरे मैं किसान नेता ही हूँ और मैं गांव से ही बात कर रहा हूँ,
माधुरी जी आप मेरा प्रोफाइल को चेक करो। अरे सर मैं आपके प्रोफाइल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्रत्युष शिलावाड़ा की तस्वीरें दिखाइए। देखिए माधुरी जिला बॉर्डर पर ये किसान है, सुबह से डटे हुए हैं। जरा ये बताइए कि ये जो चर्चा चल रही है, बहस चल रही है कि पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत है क्या किसानों को? नहीं, ये कौन यहाँ पर आकर एक मिनट सर, ये लग रहा है कि बात कर रहे हैं जी। सवाल ये है कि आपको उनको जरूरत है क्या? वो कह रहे हैं कि हम किसानों के सपोर्ट में आ रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है? आज तक वो कहाँ थे? अगर सपोर्ट में आ रहे हैं तो बिना किसी झंडे के, बिना किसी बैनर के, बिना किसी पार्टी के अगर आ सकते हैं हमारी टोपी लगा कर। आप लोगों ने आमंत्रित किया है? नहीं, हमने किसी को आमंत्रित। तो आप लोग उनको मंच देंगे अपना? नहीं, मंच नहीं देंगे हम, कोई मंच नहीं देंगे, कोई स्थान नहीं देंगे, कोई माइक नहीं देंगे। वो आए, किसानों के साथ खड़े हों, हमें कार्यकर्ता हूँ सब। भारतीय किसान भानु के किसान बन के आए, भारतीय किसान भानु के नेतृत्व में आए और सभी स्वीकार है, टोपी झंडा लगा करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए, सब लोग खुश। सवाल ये भी है कि जब आप लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया उसके बाद ही राजनीतिक पार्टियां इसमें क्यों कूद पड़ी? उसके पहले कहाँ थी? अभी तो नहीं, उन्हें पूछा हमें ना, उन्हें पूछा पार्टियों को पूछा हमें क्या पता। लेकिन वो तो कह रहे किसान संगठन हमारे साथ है। अरे हम काय के साथ है, हमारे सपा बसपा भाजपा सब एक सिंह है, मलू कोई ना है, सब एक सिंह है। हमें किसानों के लिए किसने कर दिया है ये तो बताओ। एक तरफ कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, सब आ रही है कि भाई हम किसानों के सगे हैं। जब सत्ता में पिछले बिल में भी जब सत्ता में आती है तब काय के लिए आती है। यहाँ पर आज सवाल ये केंद्रीय मंत्री ने पूछा है कि जो आप कह रहे हैं कि आप ओपन मार्केट खोलने की जो बात कर रहे हैं, किसानों को जो कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के लिए खुल जाएगा, एक वक्त तो शरद पवार जी इसकी हिमायती थे, एक तरफ तब तमाम पार्टियां इसकी हिमायती थी। तो जब जब विपक्षी पार्टी उस टाइम इस कानून को लाना चाहती थी तो भाजपा विरोध कर रही थी, फिर भाजपा क्यों लेके आई? भाजपा क्यों लेके आई? जब शरद पवार इसका हिमायती थे तो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी और क्या कहते हैं मोदी जी क्यों लेके आए? क्यों के अम्बानी जी भी तो मुंबई के ही हैं और शरद पवार भी मुंबई के। नहीं, एक सवाल ये है कि किसानों में ऐसा तो नहीं कि भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है? कोई ना, ना हमें कोई भ्रम ना होगा, हम सब जानते हैं। हमें अब हमने सारी पार्टियों कल का दिन आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आपने कहा कि भारत बंद का आपने आह्वान किया हुआ है, कल को अगर पॉलिटिकल पार्टियां इसमें कूदेंगी और अगर कुछ बवाल होगा तो सारा कुछ आप पर आ जाएगा। किसान संगठन बवाल होगा, हमने कह दिया भ्रष्ट नेता हमारे बीच में ना आए, ईमानदार हो, मतलब किसी पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसान नेता अपना मंच नहीं देंगे। नहीं नहीं, सीधी बात किशोर तिवारी जी, समझ आ गई? आप किसान नेता बन जाइए, आप शिवसेना समर्थक बन जाइए, कोई बन जाइए सर, किसान अपने मंच पर किसी पार्टी का झंडा नहीं देखना चाहता, इसका मतलब समझ जाइए सर। अन्नदाता समझदार है, वो आपकी राजनीति नहीं समझता। हमारा समर्थन है इतना ही काफी है। दूसरी एक बात करा दूं माधुरी की, मैं महाराष्ट्र के किसान मिशन का चेयरमैन हूं और हमने ये कानून रद्द कर दिया है महाराष्ट्र में। हमारे भी आक्षेप है, सरकार हमारे आक्षेप दूर करे। हमारी किशोर जी किसानों के किशोर जी, देखिए समझिए इस बात को, इस देश का, इस देश में ये मुद्दा बहुत गंभीर विषय है। वो अन्नदाता जो पवित्र आंदोलन कर रहा है उसमें सियासत के कीड़े लग रहे हैं, वो कीट पतंगों से रोज दो दो हाथ होता है, उन्हें खत्म करता है, लेकिन जो पॉलिटिक्स की टिड्डी जो है ना उसमें अपनी अस्मिता बचाने वाले लोग इनको घेर रहे हैं। और इसीलिए किसानों ने साफ साफ कहा है कि हमें किसी तरह का झंडा नहीं चाहिए, हमारे मंच को राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इन सबके बीच ये समझ जाइए कि दिसंबर की इस काली रात में, दिसंबर की इस काली रात में जब ठंड और सर्दी बढ़ रही है, एक पतले से लिबास में सोएगा किसान, वो उस किसान की बात को ये गीजर और एसी में बैठने वाले, हीटर की गर्मी में बैठने वाले राजनेता समझ पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत बंद की पॉलिटिक्स को क्यों किया जा रहा है। सबसे अहम सवाल ये कि अन्नदाता जब अपने मंच पर किसी तरह का राजनीतिक झंडा नहीं चाहता तो फिर ये राजनीतिक पार्टियां कौन से और किस समर्थन की बात कर रही है। इसीलिए अहम सवाल लगातार बना रहेगा, लेकिन देश को ये जवाब इन पार्टियों को देना पड़ेगा कि आप लोग अपनी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां आज किसान के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर सेक रहे हैं।
लेकिन इसे निकल चाहिए, क्योंकि ये किसान इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश का मान है, इस देश का सम्मान है, वो कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं होने देगा। और आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि जो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम इतने कमजोर नहीं कि हमारे कंधे पर बंदूक रखकर कोई चला लेगा, हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, हम सरकार से बातचीत करेंगे और सुलझाएंगे। कल भारत बंद है, परसों 9 तारीख को फिर से छठे दौर की बातचीत। तब तक के लिए देश को जवाब दो, बहस का सबसे बड़ा शो। नमस्कार। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।